तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई ये गेम प्ले थोड़ा सा पुराना होता है, ये क्रॉन 3 की टाइप का है। हाँ ये क्रॉन 3 टाइप का कुछ होता है गेम प्ले ये भाई, बट इस गेम प्ले में भाई पुराना है पर बवाल गेम प्ले, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना वो बोलते हैं भाई इसे। क्योंकि इस गेम प्ले में मैं चिकन निकालता हूँ भाई, और सोलो FPP में क्रॉन 3 टाइप है चिकन निकालना तो मैं भी पता होगा कितनी गांड घिसानी पड़ती है। और इस मैच में मेरा 24+ होता है भाई, मतलब भाई बवाल ही बवाल। तो भाई यहाँ पे देखो 4 जोन बन चुका था, और तुमने नोटिस किया होगा अभी मैंने मैप खोला था पूरा, क्या बोलते हैं अपार्टमेंट है ना, अपार्टमेंट के अंदर बना है जोन और अपार्टमेंट के पीछे वाली रिज पे। मैंने सोचा जो यहाँ पे रिजेज है ना, रिज एक फट्टा टाइप का कवर है वहाँ पे रुका जाएगा, इस वाले फट्टे वाले कवर पे एक बंदा था तो मैंने सोचा यहीं पे रुका जाएगा ये जो एक कवर है यहाँ पे, सोचा अच्छी सी कवर है रुक जाएंगे। बट एक बार यहाँ पे मैंने घुमाया गाड़ी, क्या पता यहाँ पे कोई बंदा कैंप करके बैठा हो, तो इसलिए मैंने भाई पूरी गाड़ी घुमाई, यहाँ पे कोई बंदा नहीं था। तो भाई मेरे लिए तो बढ़िया है, आराम से कोई बंदा भी नहीं है, घुसो आराम से और कैंप करो भाई जब तक जोन ना बने। और यहाँ पे अभी 27 बंदे बचे हैं 4 जोन में, 27 बंदे भाई, ये होता है सोलो FPP कमाल। सोलो TPP में भी इतनी अच्छी लॉबी नहीं आ रही जो अभी सोलो FPP में आ रहा है भाई, ये भाई तुम खुद बताना ये बात सही है कि नहीं है। तो भाई यहाँ पे देखो अभी जोन बनने देते हैं कहाँ पे बनता है, तभी थोड़ी देर में सामने से एक गाड़ी जाती है, मैं भाई समझ गया एक बंदा है उसको पेलते हैं। और भाई देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ और उस बंदे पे फायर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो सामने की तरफ गाड़ी जा रही है, और अभी मैं फोर्स लगाया M4 पे और वो गई, देखो गाड़ी गई वहाँ पे, उसने स्लैमन दे दिया और वो बंदा वहाँ पे क्लाइंब कर रहा है, मैं उस पर कुछ गोलियाँ मारता हूँ, उसको ज़्यादा नहीं लगती भाई क्योंकि भाई क्या ही बोले इतनी मतलब इतना भी मक्खन स्प्रे नहीं है जो बंदे को क्लाइंब होते हुए भी पेल दे। बट बंदा कवर में चला गया और वो आराम से सेफ हो गया। तो यहाँ पे 5th जोन बन जाता है, और भाई देखो कहाँ ही जोन बना है, पूरा का पूरा ओपन जोन। तभी मैं मुंह के सामने इतना बात कर ही रहा हूँ एक बग्गी गई, वो बंदा मुझे लगा कहीं भाग गया होगा, बट नहीं भाई बंदा भी क्या ही बवाल बंदा था, बंदा गाड़ी घुमा रहा था भाई। ओ भाई मैं ही ट्रिक अपनाऊँगे मेरे सामने। तो बंदा दोबारा इसी साइड आता है, अब वहाँ पर देखो सामने रुकी, मैंने उस पर फायर लिया, उसे एक गोली लग गई, मैं इतना कंफर्म हूँ वो बंदा 75 HP से कम होगा। तो मैंने एक नेट पकड़ा और फुल कुक किया और सामने की तरफ जंप के फेंकता हूँ, बट भाई इस नेट से कुछ नहीं होता, बस मुझे हल्का सा टाइम मिल जाता है क्लोजिंग करने का। अब मैं इधर आ गया हूँ, एक मॉली फेंकता हूँ और वो बंदा, ओ भाई देख रहे हो बंदा खुद पे खुद मैं पे पीक दे देता है भाई। अब मैं उसकी पीक देखो क्या ही पीक दी, मैंने उसको पेल दिया भाई, क्या ही बोलूं भाई, इस बंदे ने इतनी बड़ी पीक क्यों दे रहा है भाई FPP में, और तू एक पेड़ के पीछे, तेरे को पीक देना मतलब भाई तेरे हक नहीं है, पीक पत्थर के पीछे हो रिज के पीछे हो तो पीक दे भी सकते हो भाई, बट पेड़ के बाद तुम पीक नहीं दे सकते क्योंकि भाई पेड़ छोटा सा ही होता है, क्या पीक दोगे। तो भाई उस बंदे को आराम से पेल दिया। और एक और बात, वो बंदा ना जहाँ पे अभी है वो बंदा की पोजीशन अभी जोन में है, तभी मेरे सामने एक गाड़ी आती है, मैं उसे फायर लेता हूँ, वो बंदे को भाई मतलब 2 गोलियाँ लगी थी शायद, मतलब लो था बंदा, चलो कोई नहीं भाई, वो बंदा भाग जाता है। तो बंदा सामने साइड जाता है और तभी भाई किल फिर नोटिस करो IM9 OP ने पेल दिया, ये इसका मतलब ये है भाई ये मेरा क्लैन मेट है, ये बंदा मेरे साथ बोलता है भाई मुझे मैचिंग करनी है तुम्हारे साथ, फाइट लेनी है। मैंने कहा ठीक है भाई ले लेते हैं, हमें कौन सी दिक्कत आ रही है, हमने भाई साथ में मैचिंग करी और इस बंदे को मैं भाई देखना बंदा भी सही खेलता है, मतलब बंदा सही खेलता है, ये बंदा मेरे से एंड में फाइट लेता है। और बंदे ने भाई क्या ही लो किया था बट, और हमारी फाइट का नतीजा देखना तुम एंड में क्या होता है भाई, कौन जीतता है इस फाइट को। तो भाई शायद मैंने स्पॉइलर दे ही दिया स्टार्टिंग में मैं चिकन हो गया था, चलो कोई नहीं, बट अच्छी फाइट दी थी बंदे ने। तो यहाँ पे देखो मैं बूस्ट मारता हूँ और देखता हूँ कोई पीछे से बंदा तो नहीं आ रहा, बट भाई यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आ रहा होता। और यहाँ पे मैं भाई अभी देखो जोन आ गया, अब मैं गाड़ी पर बैठता हूँ और सीधा जो बंदे की पेटी थी ना जिसको मैंने M4 से पेला था मैं उसकी पोजीशन में जाता हूँ, क्योंकि बंदा वो जोन में था। और देखो सही सामने उसकी पेटी है, गाड़ी है, सब कुछ है, यहाँ पे आई मैं गाड़ी ठोक दी और देखो भाई पूरा जोन में भाई, अब मुझे चाहिए क्या, जोन में कवर है और मैं हूँ जोन में, क्या ही चाहिए भाई, इससे बढ़िया क्या ही लोगे। बट ये भाई पबजी वाले हमारे ऊपर जोन नहीं, और जोन देखो कहाँ पे है भाई, कहाँ पर है जोन, इतना दूर, ओ भाई। तो यहाँ पे जो भी बंदे जोन के बाहर थे वैसे था तो कोई नहीं, बट यहाँ पे मैंने सोचा उनको पेला जाएगा, बट यहाँ पे कोई नहीं था। और इस बंदे की पेटी पे देखता हूँ भाई कुछ मिल जाए सामान अच्छा खासा तो लूट लूँ, तो लूट लिया थोड़ी बहुत बेसिक लूट कर ली। तो यहाँ पे मैं अभी वेट कर रहा हूँ जोन आने का, क्योंकि भाई देखो मैं अभी कन्फ्यूज़ हूँ कहाँ पर जाऊँ, कहीं मैं अगर मैं एंड में जोन के साथ मूव करना पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर तुम एंड में जाओगे ना कोई चांसेस नहीं होंगे, तुम्हें कोई पीछे से पेल सकता है। चलो भाई ये बात रही बात की, अब मैं गाड़ी उठाता हूँ सीधा जोन की तरफ निकलता हूँ भाई।
अब देखो भाई, ये होता है वन ऑफ द एंड मोमेंट। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी एक पोजीशन तक नहीं मिल रही थी। देखना भाई कितनी गाड़ी घुमाता हूँ मैं। यहाँ पे आया, एक सामने देखो शैक पे गाड़ी ठुकी पड़ी है, राइट में देखो एक बंदा है, और ये बंदा देखो दो बंदे दिखे तो मैंने नोटिस किया ये बंदे टीम अप थे। ओ भाई ओपी। तभी एक बंदा कहीं से मतलब पता नहीं कहीं से उस बंदे ने उन टीम अप वाले एक बंदे को पील दिया। तो यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ घूम घाम के। कहीं मैं भाई अब भी देखो कहीं पे भी मुझे लोकेशन नहीं मिली थी। हर जगह कहीं ना कहीं गाड़ी ठुकी पड़ी, कहीं कुछ हुआ पड़ा है। तो मैं दोबारा आता हूँ और इस दूसरे बंदे को जिसने टीम अप किया था उसको भाई कुचल देता हूँ। भाई ये क्या ही दल्लू भाई वाला स्टंट है सा। दिस स्टंट इज परफॉर्म अंडर द प्रोफेशनल प्लेयर्स, प्लीज़ डोंट ट्राई एट योर होम। ओ भाई ओपी इंग्लिश। तो भाई इसको क्या ही दल्लू भाई जैसा पेला मैंने, और यहाँ पे मैंने स्मोक कर दिया और यहाँ पे प्रोन हो गया। अभी देखो भाई हर जगह भाई बंदे पड़े थे और मैंने स्मोक कर दिया अपने मुंह पे ताकि कोई बंदा मेरे को डायरेक्ट स्पॉट ना करे। अभी भाई देखो 5 बंदे बचे हैं और जोन मेरे साथ नहीं है। ओ भाई मारो मुझे मारो। अब देखो भाई यहाँ पे मैं कैसे गेम निकालता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ मुझे जाना कहाँ है, जोन बनेगा तो कहाँ जाऊँगा, ये मैं सोच ही रहा था। बट इतनी देर में स्मोक हट जाता है और मैं M4 पे लगाता हूँ 4x और स्मोक के बगल से देखता हूँ सामने की तरफ। ये भाई वन ऑफ द परफेक्ट कवर था भाई, 2 से 3 गाड़ियाँ हैं। तभी मैं इस कवर पे बंदे पे एक फायर लेता हूँ और लकीली उसे हेडशॉट लग गया। तभी जैसे ही हेडशॉट लगा ना मैं उसकी गाड़ी फोड़ने लग गया। बंदा भाई देख रहे हो ये होते हैं बंदे, मैं तुम्हें एक टिप दूंगा, मैंने इसकी गाड़ी पे बहुत फायर किया, बंदे ने कोई चूकी 4 तक नहीं गई। इसका मतलब बंदा फट्टू टाइप का बंदा है भाई, खुद ही देखो इतना फायर ले रहा हूँ एक पीक तक नहीं दे रहा। मैं समझ गया भाई इस बंदे पे रश करूँगा और इसी पोजीशन कैप्चर करूँगा, मैंने ऐसा सोचा था। बट भाई देखो थोड़ा सा मैं सोचा जोन आने देते हैं, थोड़ा सा और सर्वाइव हो जाएगा। जैसे जोन आ रहा था ना गाड़ी पे करता हूँ ड्राइव और M7 ले ली हाथ में। अब देखो भाई मैं थोड़ा सोचा एक बार गाड़ी घुमा ली जाए, इसका स्टेट एकदम एंगल में नहीं जाएंगे, क्या पता गाड़ी से उतार लिया तो। और इधर राइट साइड में जाता हूँ और यहाँ पर गाड़ी ठोकता हूँ और देखो बंदे को क्या ही मतलब भाई क्या, मैं इसके ऊपर मुंह पे गाड़ी ले आया हूँ, अगर ये बग्गी ना होती ना मैं इसको गाड़ी से कब का उसी टाइम कुचल देता भाई। चलो कोई नहीं, आराम से निकला, M7 से पेल दिया। इस बंदे ने एक गोली तक टच नहीं करा भाई। तो यहाँ पे मैं इसकी पेटी पे से काफ़ी अच्छी लूट होती है भाई, और DP28 लेजेंडरी कॉम्बो M4 DP28 मैं उठा लेता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी थोड़ी बहुत ही ले लेता हूँ, थोड़ी बहुत ले लेता हूँ जो मतलब एंड जोन में काम आएगी। यहाँ पे सारी कुछ लूट कंप्लीट कर रहा था तभी देखो भाई जोन आने में थोड़ा सा टाइम बचा होता है और मैं यहाँ पे DP भी सब रिलोड कर ली, बूस्ट वूस्ट कर लिया। अब निकलता हूँ जोन की तरफ, 7 सेकंड में जोन आ रहा है भाई। देखो अब मुझे नहीं पता बंदे है कहाँ, एक सामने कवर है, शैक है और छोटा सा घर है। मैं सोचा अभी कंफ्यूज हूँ भाई बंदा है कहाँ, कहीं टीम अप तो नहीं है, एक घर में दोनों पड़े हैं। बट नहीं भाई यहाँ पे गाड़ी थी ओपन में, मुझे लगा एक बंदा यहीं कहीं ओपन में होगा और दूसरा बंदा यहीं कहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी क्योंकि भाई मुझे स्नेक गेम अभी खेलने का मन नहीं था, क्या पता मैं खुद पिल जाऊँ। तो सामने वाले घर पर बंदा था, मैं इतना समझ गया। मैं मॉलिस पर तोड़ा गेट पहले, फिर देखो भाई बंदा अंदर छुपा पड़ा है। अब देखो भाई मैं क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा सा P5 लिया M4 से, बंदा कोई मूवमेंट नहीं। अब मैं ग्रेनेड फेंक देता हूँ, मॉली से जल के बंदा बाहर आ रहा है और देखो भाई बंदे पे कॉम्बो कौन सी है, शॉट गन और VSS। ओ भाई भगवान, डार्क वर्ल्ड भाई क्या ही कसम से, गजब भाई गजब, शॉट गन और VSS का कॉम्बो, ओ माई गॉड ओपी भाई ओपी। शॉट गन और VSS का कॉम्बो कौन लेता भाई, कसम से भाई बंदा कुछ ज़्यादा ही प्रो रैंक पूछ रहा था। तभी एक बंदा मेरे पे रश करने आ गया, उसने स्मोक किया ना, मुझे स्मोक से इसके फुटस्टेप भी नहीं आए, क्या ही एक गेम को उसने गंदा प्री फायर दिया भाई, कसम से भाई ओपी, मेरे को एकदम लो कर दिया। फिर मैं भाई जैसे ही बंदा आया ना मैंने इतना खतरनाक प्री फायर दिया ना वो गेट पे ही, बंदे को भाई मूवमेंट तक करने का टाइम नहीं मिला भाई, 2 हेड मारे बंदा फिनिश ओपी भाई, खत्म खत्म टाटा बाय 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 भाई, लॉबी भी मिलो। और ये बंदा तुम्हें पता है आई एम नोबी था, ओपी था मेरा क्लैनमेट। ओ भाई मारो मारो इस बंदे ने भाई, कसम से बंदा था चौड़ में ऐसा आ रहा था भाई साथ में मैचिंग करेंगे जैसे भाई पे ले देगा। बट बंदा सही खेला भाई, काफ़ी किल निकाल लेता है, बट ओपी भाई ओपी मानना पड़ेगा। बट भाई इसको आराम से पेल दिया मैंने और यहाँ पे मेरे भाई 5 किल विद चिकन डिनर, देखो भाई कितना प्लस होता है। ओ भाई देखते हैं 24 प्लस हुआ भाई, जवाब नहीं भाई, थैंक यू भाई पबजी वालों थैंक यू। ये इस मैच के बाद मैं Crown 2 की तरफ और भी करीब आ जाता हूँ। तो भाई बाय बाय आज की वीडियो नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ड्रॉप पर लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय। Yeah. Unknown brain. Marvin Devine.
I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous, yeah, my life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss.